ब्लॉक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की मांग है कि किसानों का गेहूं प्रधानमंत्री के द्वारा 2700 रुपए खरीदने की गारंटी दी गई थी, किंतु अब तक किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य और बोनस राशि मिलाकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का आदेश जारी हुआ है। यह किसानों के साथ धोखा है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि किसानों का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जाए और कांग्रेस मांग करती है कि सहकारिता विभाग के द्वारा जो आदेश चरण वसूली के संबंध में निकाला गया है उसे स्थगित किया जाए, क्योंकि गेहूं और चने का उत्पादन कम हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि आगामी फसल तक चरण वसूली स्थगित की जाए एवं किसानों के द्वारा जो मूंग बोया गया है सिंचाई के लिए उसमें बिजली 6 से 7 घंटे मिल रही है, किसानों को बिजली 12 घंटे लगातार दी जाए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों के बिजली के बिल जमा करने को लेकर आगामी फसल तक स्थगित किए जाए। अहमदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।